ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 9 को प्रारंभ करते हैं। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गाँव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावले मन को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के दो घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल और दूतगामी था। रास्ते में सावली विहिर ग्राम पर पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट ना आई, परंतु उन्होंने अपनी साई माँ के उपदेशों आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। एक अन्य अवसर पर कोलहार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय एक समय बम्बई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर ने परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलिशान तंबू में ठहराया गया। वह तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्होंने आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने हेतु वहां गए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता ना करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वह सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चल रहे थे, परंतु सावली विहिर नामक गांव पार करने के बाद एक बाईसाइकिल सामने आ गई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए। कुछ दूर तक तो तांगे के साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक लगने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इन घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है। जो आज्ञा का पालन करते हुए सकुशल और सब सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। वृत्ति की आवश्यकता। पहला दृष्टिकोण, भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है? शास्त्रानुसार वह व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों कामनी कांचन और कीर्ति को त्याग कर आसक्तिक मुख को संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वह ही भिक्षा वृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वह अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साई बाबा ना तो गृहस्थ थे ना ही वानप्रस्थ थी, वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालनकर्ता तथा पार ब्रह्म थे, अतः वह भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंच सूना 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको ये ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृह आश्रमों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। पीसना, दलना, बावड़ी से पानी निकालना, मांझना, धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रयों को पाप लगता है। इन पाप के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों में 5 प्रकार के योग यज्ञ करने की आज्ञा दी गई है। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद ध्यान, ब्राह्मण को अर्पण करना व वेद अध्ययन करना, पितृयज्ञ पूर्वजों को दान, देव यज्ञ देवताओं को बलि, भूत यज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य अतिथि यज्ञ मनुष्य अतिथियों को दान। यदि यह कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किया जाए तो चित्त शुद्ध होकर आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार जाकर गृहस्थ आश्रमियों को पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते और लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठकर ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। ये अनुभव, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र फूल फल या जल भी अर्पण करता है, तो मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच ही श्री साई बाबा को कुछ भेंट देना चाहता है और बाद में उसे यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस
भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीर्वाद देते थे। पिता और पुत्र की कहानी। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र और उनकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शिरडी में व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना था। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी है और संभव है कि वह श्री साई बाबा की पूजा नदारी का उचित ध्यान ना रख सकेंगे। परंतु पिता के आश्वासन देने पर ही पूजन यथाविधि ही होता रहेगा। माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमन त्रखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसा मेरा पुत्र करता है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। उसी दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्होंने ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन में ही निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वह भोजन को थाली में प्रसाद न देकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया, उसने बताया कि आज विस्मृति वंश वह नैवेद्य अर्पण करना भूल गया। यह सुनकर वह तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पद प्रदर्शन ना करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी है। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार पे ताला लगा देखकर मैंने भी किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ मेरे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं रख गए थे, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ ही नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया और बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या ये घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? मैं श्रीमती तरखंड ने तीन वस्तुएं भरता, काचरिया और पेड़ा बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को दो बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वह एक बैंगन का भरता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भरता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भरता बहुत ही स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भी भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वह बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन है, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्होंने काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि की क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व श्रीमती तरखंड से मिलने गए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ ना मिला। वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य था।
बालक गोविंद ऐसी स्थिति परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबे के लिए भेज दिया। उन्होंने पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा ने दशनाथ गए, परंतु वह पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़े लिए हुए वहाँ पहुँचे तो फिर बाबा ने शांत न रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उनसे वही उपयुक्त उत्तर फिर से दोहराया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुमको माँ श्रीमती तरखंड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी। अब तो उसे स्मृति हो गई और वह बहुत ही लज्जित हुआ तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ये भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी में आई हुई थी। दोपहर का भोजन तैयार हो चुका था, थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय बाबा वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचिपूर्वक उसे खा गया। संध्या के समय जब मैं मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूख आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार मस्जिद में बैठकर कभी असत्य नहीं बोलूँगा, सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन करो, बाद में तुम भोजन किया करो, इससे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ, मैं तो उसमें दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने तो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था, और इसी प्रकार अन्य प्राणी बिल्लियाँ सुअर मक्खियाँ गाय आदि मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए द्वैत व भेदभाव भूल कर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वह द्रवित हो गई और इसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रुंध गया और हर्ष का पारावार ना रहा। शिक्षा यह है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय में के अंत में बतलाई गई घटना तथा अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी भी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया है कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा आचरण में लाना चाहिए। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।